हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो सारे? जस्ट हो भाई सारे बढ़िया होगे। तो भाई आज हम निकल रहे हैं यहाँ से बॉम्बे की तरफ, मैं और अंकित। हमारा बेसिकली अभी हमें कुछ बिजनेस ट्रिप से जा रहे हैं बॉम्बे, तो अभी हो सकता है उसके बाद एक जगह और भी जाए, पर अभी फिलहाल जब प्लान आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ही उसको प्रोसीड करेंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ से कैब में बैठे हैं और भाई हमारी 10 बजे की फ़्लाइट और अभी हो रही है हमारी 11 बजे की फ़्लाइट और अभी हो रही है 9:00। मतलब लेट हो गया क्योंकि अभी हम पहुंचे, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा हम पहुंचे यहाँ पे साउथ एक्स की तरफ। तो चलो भाई अभी देखते हैं यहाँ से कितनी देर। वैसे तो हम 9:50 दिखा रहा हमारा एस्टिमेटेड टाइम, तो डोमेस्टिक में ज़्यादा देर लगती नहीं है, सिर्फ जाके अपना बोर्डिंग पास लेना और उसके बाद सीधा आप अपना सिक्योरिटी चेक करा के गेट पर जा सकते हो। बट स्टिल चलो मिलते हैं एयरपोर्ट पहुँच के आपको। अभी भाई इतना रास्ते में जाम हो रहा है क्योंकि बताएं इस चक्कर में मुझे लग रहा है लेट और ज़्यादा लेट ही ना हो जाए हम। एक्चुअली यार ये जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है ना, इसमें सारे लोग अपने ऑफिस के लिए निकले होते हैं तो उस वजह से जाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही होता है। चलो भाई अब फाइनली पहुंच गए अभी हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे और अब यहाँ से फटाफट से निकलते हैं बिकॉज लेट हो रहे हैं। 10 बज गए यहीं पर ही और 11 बजे की तो फ्लाइट ही है। चलो भी फटाफट यार बैग ले लिया। एकदम बिजी सा एयरपोर्ट बना हुआ है डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। चलो अपनी चेकिंग करा लेते हैं, वैसे ज़्यादा लंबी लाइन तो है नहीं, वैसे ही लाइन लगेगा। तो भाई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जो है ना अपना लॉन्च तो बंद है, तो अभी हमने यहाँ से ले लिया सबवे अपने लिए। अब यहाँ से जा रहे हैं अपनी बोर्डिंग गेट पे क्योंकि अपनी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है एंड हम थोड़ा सा लेट भी हो चुके हैं। अभी मैं यार अंकित का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी उसको कॉल किया और लास्ट में हमारी उसका और मेरा नेम भी अनाउंस हो गया, पता नहीं अभी कॉल किया, कह रहा है अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा। अच्छा बढ़िया मौसम हो रखा है, एकदम बढ़िया ठंडी हवा चल रही है भाई, मज़ेदार लग रही है यहाँ पे तो इतना ठंडा मौसम। चलो भैया अभी आगे मुंबई पे लैंड कर गया अपन, अब यहाँ से अपना बैगेज लेके सीधा होटल के लिए निकलते हैं। चलो भाई यहाँ से अपना बैगेज लेते हैं, देखते हैं कितनी देर में आएगा बैगेज। आने में भी टाइम लगता है यार, ये तो सबसे बड़ा बोरिंग पार्ट मेरे को लगता है मैं बैग का वेट करना, जो एक भी नहीं आई है। कैब तो नहीं बुक करी अभी? अभी तो नहीं आई। लो भाई इन्होंने यहाँ पे बना रखा टेस्टिंग लॉन्च, यहाँ पे आप अंदर ड्रिंक जाके टेस्ट करो। बताओ लोग देखो अंदर लगे भी हुए टेस्ट कर रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर बननी हो नहीं ये चीज़ अगर, तो लाइन लगी होगी कसम से लंबे वाली। अच्छा बना रखा वैसे इन्होंने ये भी, देखो आप बड़ा भी बना रखा वैसे डोमेस्टिक के हिसाब से, हमारा दिल्ली वाला तो भाई छोटा है।
वाला इन्होंने सही बना रखा, बड़ा भी बना रखा है ना, दिल्ली वाला तो छोटा काफी। ये इंटरनेशनल इसलिए बड़ा है। हाँ, ये इंटरनेशनल की लैंड करी है, डोमेस्टिक का दिल्ली का। इधर है पिकअप जोन, यहाँ पे भी इन्होंने दिल्ली की तरह अलग से बना रखा पिकअप जोन। आगे चाहिए ऊपर ओला पिकअप जोन, क्या ओला वो कही ऊपर ऊपर से कि ऊपर यहाँ से लेफ्ट है और जो ओला वो नीचे बनी है, लेफ्ट चल रहे ऊपर। तो भाई हमने कर लिया यहाँ से भी अपनी ऊबर बुक, अब यहाँ से ऊबर से निकल रहे हैं हम अपना होटल के लिए, ठीक है। बट यार यहाँ पे ना गर्मी काफ़ी है दिल्ली के कंपेरिजन में, मौसम जो है वो आपका यहाँ पे ज़्यादा गर्म है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना सामने, मुझे लग रहा है इसके अंदर इन्होंने ऊबर का जो है पिकअप स्पॉट बना रखा है, ओला का जो बना रखा है वो उन्होंने दो लेवल डाउन बना रखा है, इसी में मेरे ख्याल से नीचे बना रखा होगा। चलो एनीवेज जाते हैं, देखते हैं, अपनी टैक्सी लेते हैं, चलते हैं होटल के लिए। आगे रख लो, छोटे वाली पीछे रख लेना। हाँ क्या बोल रहा हूँ, लॉक हो गई क्या? अब खोल, कल हमने यहाँ पे होटल में चेक इन किया था बट थोड़ा सा अगर काम वाम में लेट हो गए थे तो मैंने इसलिए व्लॉग को कंटिन्यू नहीं करा, थक वक गया था रात में। नेक्स्ट डे मैं आज इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँ। देखो भाई ये है, तो भाई अभी मॉर्निंग का टाइम है, ये इनकी साइड एक साइड की रूम की लॉबी है, ये देखो यहाँ पे क्या हाल हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा रूम है जो हमें मिला है, ये देखो भाई। भाई ये रूम हमें 3,500 रुपये का लिया एक दिन का, तो आप खुद ही बताओ भाई 3,500 रुपये में। तो यार गोवा व्यू में हमने फोटोज देखी थी इसकी, तो भाई क्या बढ़िया फोटोज आ रही थी। और अभी हमने लिया, कल हम रूम में आए तो भाई देख के हमारा मूड ही खराब हो गया, हमने ऑलरेडी 2 दिन का बुक कर ही लिया था। देखते अब आज अगर कहीं फ्री हो गए जल्दी टाइम से तो रूम चेंज करेंगे, अदरवाइज भाई अब हमारे पैसे तो हो गए बर्बाद यहाँ के लिए। 3,500 रुपये का एक दिन का ये रूम है। अब इसमें मतलब वैसे रूम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रूम के पैसे 3,500 उस हिसाब से भाई रूम की हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भैया होती है कि भाई थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रूम मिले। बट भाई गोवा भी वो हमें क्या फोटोज़ दिखा रखी थी, और अभी भाई यहाँ पर रूम आया तो क्या रूम निकला है, शिट यार। एनीवेज भाई चलो वीडियो को यही पे एंड करते हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। भाई आप देख लो सही, आजकल रेगुलर व्लॉग्स वगैरह डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखो इसी तरह से। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू इन अदर वीडियो।